नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंडिया के रैंकिंग जो डिफरेंट इंडेक्स में क्या क्या है जो बताने जा रहा हूँ। इससे आपको हर एक एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन आपका रहता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और सारे इंडेक्स को अच्छी तरह से याद कर लें। कम से कम इंडिया का रैंक जरूर याद रखें, इंडिया का रैंक जो है जो क्या है वो ज़रूर याद रखें। आजकल ये एग्ज़ाम का एक फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, तो चलिए देखते हैं। वर्ल्ड इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब वैश्विक खुशी सूचकांक 2018 के अनुसार इंडिया का रैंक 133 है। 156 देशों में फर्स्ट रैंक पर है फिनलैंड। सेकेंड में मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में यानी सेना का वैश्विक सूचकांक 2018 के अनुसार इंडिया का रैंक चौथा है और फर्स्ट रैंक में USA यानी अमेरिका है। उसका भ्रष्टाचार में आपका, करप्शन में आपका 2018 के अनुसार आपका 81 रैंक है। 180 देशों में 180 देशों में 81 रैंक है। फर्स्ट रैंक पर आपका है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है। 2018 के अनुसार 180 देशों में इंडिया का रैंक 177 है। फर्स्ट रैंक पर है फ्रांस। उसका इंडेक्स ऑफ टैलेंट कम्पटिटिवनेस यानी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 के अनुसार आपका 118 देशों में 81 रैंक है। फर्स्ट रैंक पर है स्विट्जरलैंड। उसके बाद अमीर देशों की सूचकांक में इंडिया का रैंक छठा है। फर्स्ट रैंक पर है चाइना। ग्लोबल जेंडर गैप यानी लिंगानुपात में 2018 के अनुसार इंडिया का रैंक है 108 है। फर्स्ट रैंक पर है आइसलैंड। टोटल 144 देशों में इंडिया का रैंक है 108। उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और अमीर देशों के सूचकांक में इंडिया का रैंक छठा है। याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप में आपका 108 है। 144 देशों में 108 रैंक है। उसके बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2018 के अनुसार इंडिया का रैंक 30 है। फर्स्ट रैंक पर है जापान। उसके बाद ग्लोबल डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में आपका 2018 के अनुसार 42वां रैंक है। फर्स्ट रैंक पर है नॉर्वे। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक 2018 के अनुसार इंडिया का रैंक है 103। टोटल 119 देशों में 103 रैंक है। फर्स्ट रैंक पर है बेलोरूस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 के अनुसार इंडिया का रैंक 100वां था, बट 2019 के अनुसार अब इसका रैंक 77वां हो गया है। 190 देशों में फर्स्ट रैंक पर न्यूजीलैंड थे और अभी भी न्यूजीलैंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव पूंजी सूचकांक में 158 रैंक है इंडिया का। उसका ग्लोबल कम्पटिटिवनेस यानी वैश्विक प्रतियोगी सूचकांक 2018 के अनुसार 138 देशों में 58 रैंक है। फर्स्ट रैंक पर USA है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 के अनुसार इंडिया का रैंक आपका है 130 देशों में 57 रैंक है। फर्स्ट रैंक पर स्विट्जरलैंड है। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस स्वतंत्रता में आपका 180 देशों में 138 रैंक है। फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे है। उसका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 के अनुसार 50 देशों में 44वां स्थान है, जो आपका यूएसए है, जो आपका फर्स्ट रैंक पर है। उसका वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल नेशन ब्रांड रिपोर्ट यानी वैल्यूएबल नेशन ब्रांड रिपोर्ट में मोस्ट वैल्यूएबल में आपका रैंक 2018 के अनुसार 100 देशों में 9वां रैंक है, जो आपका अच्छा रैंक है। यूएसए है, जो आपका फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स 2017 के अनुसार वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक में 30 देशों में फर्स्ट रैंक है, जो कि आपका सबसे अच्छा रैंक है, फर्स्ट रैंक है वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक। याद रखिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है कि इंडिया का किस में रैंक आपका फर्स्ट है, तो आपका वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक
2018 के अनुसार 140 देशों में इंडिया का रैंक है 130। फर्स्ट रैंक पर है नॉर्वे। उसका ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स मतलब वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2018 के अनुसार 195 देशों में इंडिया का रैंक है 154। फर्स्ट रैंक पर है स्विट्जरलैंड। उसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 के अनुसार 56 देशों में इंडिया का स्थान है 14। फर्स्ट रैंक पर है स्विट्जरलैंड। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स मतलब वैश्विकरण सूचकांक में 140 देशों में इंडिया का रैंक है 78। फर्स्ट रैंक पर है सिंगापुर। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी टेररिज्म इंडेक्स में आपका 2018 के अनुसार 163 देशों में 7वां रैंक है। फर्स्ट रैंक पर है इराक। उसके बाद ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में 134 देशों में 67 रैंक है। फर्स्ट रैंक पर यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादा बार एग्जाम में पूछता है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसे आप ज़रूर देख लें। सबसे पहले ये देख लीजिएगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2018 में जो है जो रैंक आपका है जो 7वां है। उसके बाद वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक में आपका फर्स्ट रैंक है। ये भी आप देख लें, ये भी आपका VVIA है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री में यानी सेना में देख लें, इसका 4वां रैंक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखें। उसका करप्शन में 81 रैंक है, ये भी आप याद रखें। इन्वायरमेंट में बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है, 180 देशों में 177 रैंक है। फर्स्ट रैंक पर है आपका है फ्रांस। ये भी आप लोग देख लें क्योंकि इंडिया में बहुत सारा पोल्यूटेड शहर अब हो गया है। जेंडर गैप में याद रखें, जेंडर गैप 144 देशों में 108वां स्थान है। उसके बाद विश्व हंगर इंडेक्स जो कि कल के शिफ्ट में आपका पूछा गया था रेलवे जेई में, 2000 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका 103 स्थान है, पूरा 119 देशों में, इसे भी याद रखें। ये सारा क्वेश्चन जो है जो आप अच्छी तरह से देख लें, इसमें से आपको आने वाले एग्जाम में जरूर एक से दो क्वेश्चन आपको ज़रूर नज़र आएंगे। और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।